नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ तमसो ज्योतिर्गच्छामो श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने विद्या की देवी सरस्वती ने जो वस्तुएं धारण की है उनका वर्णन ज्ञान रूपी किरण से किया है। सलिले हंस हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला करे पुस्तकम करयुगले वीणा वसती। हंस विवेक वाच्छाम कमल विमलताम इच्छाम, माला पुस्तक वीणा भी तमसोर ज्योति गच्छाम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ सरस्वती को विद्या की देवी बताते हुए साथ ही साथ माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी बताया है। तो कवि का कहना है कि अगर हम भी इन वस्तुओं को धारण करते हैं तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति संभव है, अतः हमें भी इन वस्तुओं की और प्रेरित होना चाहिए जिससे कि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो। सलिले हंस हंसे कमलम अर्थात पानी में हंस है और हंस पर कमल विराजमान है। कमले तिष्ठति सरस्वती, कमल पर विद्या की देवी सरस्वती बैठी है। हस्ते माला करे पुस्तकम अर्थात एक हाथ में माला दूसरे हाथ में पुस्तक है। कर युगले वीणा वसती दोनों हाथों में वीणा है। आप अपनी दाहिनी तरफ बने हुए चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे कि पानी में जो हंस है वह माँ सरस्वती की सवारी है। माँ सरस्वती हंस पर सवार पद्मासन में कमल पर विराजमान है और माँ सरस्वती ने सिर पर जो मुकुट पहना है या धारण किया है ठीक उसके पीछे सूर्यदेव भी विराजमान है। हंस विवेक वाच्छामा अर्थात हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं। हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे हंस में एक गुण पाया जाता है कि दूध और पानी मिलाया हो तो उसे वह अलग अलग कर सकता है, क्योंकि हंस में प्रतिभा होती है, हंस में गुण होते हैं। तो हमें भी अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए तथा दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। कमल विमलताम इच्छाम और कमल जैसी पवित्रता चाहते हैं। जैसे कि कमल कीचड़ में उगने के बाद भी पवित्र होता है, माला पुस्तक वीणा भी अर्थात माला पुस्तक और वीणा के द्वारा तमसो ज्योति गच्छाम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। अगर हम लोग भी इन चीज़ों को धारण करते हैं तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद।